हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो आज हम आपको बताएंगे 3.6 एक्सरसाइज के बारे में। इससे पहले जो आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको करवाए थे उसके अंदर समीकरण गिवन थी, यानी कि दी हुई थी, लेकिन यहां आपको समीकरण भी बनानी है और उसके बाद उसको हल भी करना है। बीजगणितीय जो यूज है, मेथड है, विधि है, उसका प्रयोग इसके अंदर करना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर अक्सर आते हैं, तो इसलिए सभी इस वीडियो को ध्यान से समझेंगे और उसके बाद इसको करेंगे। यहां देखिए, स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूं, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल इसका मतलब है, देखिए, यदि मान लीजिए इस प्रकार पानी बह रहा है ऐसे, और यहां पर वो ऋतु जो है वो तैर रही है इस प्रकार से, ये ऐसे मान लीजिए यहां इस साइड में ही वो तैर रही है। तो देखिए, अगर पानी के साथ हम तैरते हैं तो हमारी स्पीड क्या है, बढ़ती है। तो यदि बढ़ेगी तो इसका मतलब है आपने उसकी जो है जोड़ना है। यदि हम इसके अपोजिट चलते हैं, ऐसे चलते हैं, तो ये हमारे पास जैसे पानी का बहाव मान लीजिए इस तरफ है और ये हमारा बहाव, हम वापस चीर कर पानी को आ रहे हैं, तो उस समय हमें ताकत लगानी पड़ती है पानी को चीर कर आगे बढ़ने के लिए। तो अगर उसकी प्रतिकूल परिस्थिति होती है तो वहां पर नेगेटिव का प्रयोग किया जाता है। ये इसके अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन सेकंड फर्स्ट पार्ट, माना ऋतु की स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल, तो यहां पर लिखेंगे हम x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा है कि वो धारा की चाल क्या है, धारा की चाल ये मान लीजिए y किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो क्या है, धारा के अनुकूल चाल क्या होगी, धारा के अनुकूल। मैंने भी बताया यदि ऋतु उस धारा के साथ साथ जारी है तो ये हमारे पास जुड़ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, और यदि प्रतिकूल दिशा है, प्रतिकूल चाल अगर पूछ रहा है तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसके अंदर दिया हुआ। इसके अंदर एक सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो एक और भी है, क्या कि इसके अंदर देखिए, अब समीकरण हम बनाएंगे तो हम पर्सन अनुसार क्या कह रहा है, पर्सन अनुसार वो कह रहा है कि अनुकूल है तो यहां पर 2 ब्रैकेट में x जमा y, ये उसकी धारा के अनुकूल है और 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, तो वो 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, ये इसके लिए दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर ये अब हो गया। अब हमारे पास यहां x जमा y बराबर क्या हो गया, 20/2 बराबर हो गया 10, ये इस प्रकार से हो गया, और ये हम समीकरण लिख सकते हैं यहां पर क्या हो गया कि x जमा y बराबर 10, ये समीकरण एक। ऐसे ही दूसरा प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है कि वो इसके प्रतिकूल अपोजिट दिशा में है और उसकी जो स्पीड है वो क्या है, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो वो 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ये इस प्रकार से हो गया। यहां पर भी सेम वही प्रोसीजर हो गया कि इस प्रकार से क्या करेंगे, x घटा वाई बराबर 4/2 और ये हमारे पास हो गया 2। तो यहां पर ये 2 समीकरण हमारी आ गई, एक हमारे पास क्या आया, x जमा वाई बराबर 2, ये समीकरण है, और एक x घटा वाई बराबर 4, ये समीकरण 2। इस प्रकार से
नहीं सॉरी, ये क्या था, इससे पहले 10 था और यहां पर क्या आ गया, 2 आ गया, ये समीकरण आ गए। अब इनको जोड़ देंगे, यहां पर क्या करना है, समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर, जोड़ देंगे इन दोनों को, जोड़ेंगे तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये तो कैंसिल हो गया और ये हमारे पास 2x बराबर कितना हो गया, 10 और 2 12, और x बराबर कितना हो गया, 12 बटे में 2 बराबर 6, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 6। अब ये वैल्यू हमें समीकरण के अंदर किसी में रख दे, चाहे इसमें रख दे चाहे इसमें रख दे, तो हम यहां पर क्या करेंगे कि x का मान x बराबर 6 का मान समीकरण एक में रखने पर अब हम रख देंगे, तो हमारे पास क्या था, x जमा y बराबर 10 यही आया था ना, तो x ये 6 हो गया जमा y बराबर 10 और y बराबर क्या हो गया 10 और ये इधर आएगा तो 6 बराबर 4, तो y बराबर क्या हो गया 4। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। देन सेकंड जो क्वेश्चन है इसका दूसरा देखिए, वो भी इसी प्रकार से ही करना है आपने, कैसे देखिए, इसके अंदर बताया गया है कि थर्ड पार्ट करवा रहा हूं मैं, सेकंड पार्ट आप शुरू करेंगे। यहां पर दिया हुआ है कि 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में घर जाने के लिए वो कुछ दूरी रेलगाड़ी से और कुछ बस से तय करती है, किसे, रेलगाड़ी से और कुछ बस से तय करती है, तो यहां पर लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल, ये इसके अंदर दिया हुआ है, और बस की चाल। सबसे पहले तो दो से सफर कर रही है वो, तो उन दोनों को हम मान लेंगे, ये x किलोमीटर हो गया प्रति घंटा और ये y किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसके अंदर दिया हुआ है। अब वो क्या कह रहा है, प्रश्न अनुसार इसमें सेम वही प्रोसीजर है क्या, कि दूरी बटा चाल जो दिया हुआ है वो 60 किलोमीटर दिया हुआ है और ये हमारे पास बटे में x हो गया, चाल हमारी ये हो गया, दूरी बटा चाल हो जाएगी। उसके बाद यहाँ वो 240 और ये y दिया हुआ है और कितना हो गया, यहाँ पर समय कितना हो गया, 4 घंटे, तो वो 4 ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आप देखिए ये सभी में कॉमन हो सकता है, कॉमन आ जाएगा तो हम यहां पर भाग कर सकते हैं, भाग करेंगे तो क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 15 बटे में x जमा में, इसको इससे भाग करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो गया, 60y और बराबर क्या हो गया, 1, तो ये हमारे पास क्या हो गया, समीकरण 1 ले लिया हमने, ठीक है। ये ध्यान दीजिए सभी, इस प्रकार से इसको हमने 4 से भाग कर दिया, 4 से भाग करेंगे 15 और 4 24, 4 00, 4 1 4, तो ये 4 से जब भाग करेंगे तो हमारे पास ये समीकरण इस प्रकार से आ जाएगी। अब हमारे पास इसकी दूसरे समीकरण क्या है, देखिए वो क्या कह रहा है कि 100 बटे में y, सॉरी x, ठीक है, 100 किलोमीटर दिया हुआ है ना, और यहां पर कितना हो गया, जमा में 200 और बराबर y, और ये क्या दिया हुआ है, ये 4 सही 10 मिनट है तो घंटा बढ़ाएंगे इसको, तो इसलिए ये डिवाइड कर देंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये 0 से 0 कट गया और 4 6 24 और 25 बटे में 6 हो गया, ये हमारे पास हो गया, ठीक है, 25 बटा 6 हो जाएगा। अब हमारे पास सेम वही प्रोसीजर है, 25 से ये भी भाग हो सकता है, ये भी भाग हो सकता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 4 बटे में एक्स जमा में 8 बटे में वाई बराबर है 1 बटा 6, ठीक है, ये हमारे पास हो गया, और ये क्या हो गया, समीकरण हमारी सेकंड समीकरण आ गई, ये क्या आ गई, हमारी सेकंड समीकरण आ गई, फर्स्ट समीकरण ये आ गई, सेकंड समीकरण ये आ गई। अब हम थोड़ा पीछे चलेंगे, यानी कि इसका पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या था,
कि वो एक बटा एक्स, ये एक बटा एक्स, ये एक बटा वाई, ऐसे ही एक बटा एक्स और ये एक बटा वाई हो गया। और इनकी वैल्यू जो है वो हम यहां पर रख के, और इसको सीधा भी कर सकते हैं या इसको वैल्यू भी रख सकते हैं, जो आपकी इच्छा है, जैसे आप रखना चाहो वैसा कर सकते हैं। तो इसमें आप अगर हम इसको यूज करें, देखिए यहां पर एक बटा एक्स तो 15 यू जमा में 60 वी बराबर एक, और यहां पर 4 यू जमा 8 वी बराबर है एक बटा छ, ये आपका हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अब हमारे पास क्या करना है, इसको क्वेश्चन को आपने करना है। तो यहां पर देखिए इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे कि ये आपने जो क्वेश्चन किया हुआ है इसको आपने सिंपल तरीके से इसको शॉर्ट आउट करना है। तो किस प्रकार से है देखिए, ये आप जब स्टार्ट करेंगे तो ये पहले क्वेश्चन की तरह है, एक बटा एक्स जो है उसको आप वैल्यू को रख लेंगे और वो उसमें वैल्यू मान लेंगे। तो यहां पर ये इसकी वैल्यू को जब आप रखेंगे तो वो आप रख सकते हैं। तो ये देखिए यहां पर ये वैल्यू जब रखेंगे तो इस प्रकार से, और इसमें वैल्यू को यहां से कोई भी एक वैल्यू निकाल देंगे आप, ये मान लीजिए ये वैल्यू निकाल दी। तो यहां सेम वही प्रोसीजर है कि इसकी वैल्यू जो है यहां पर, जैसे 15 यू बराबर क्या हो गया, एक घटा 60 वी, ये हो गया। और ये हमारे पास क्या था, 15 यू था और यू की वैल्यू हमें निकालना, तो एक घटा 60 वी बटे में 15, ये वैल्यू आपने निकाल ली। और ये वैल्यू जो है आपने यहां पर रखनी है, यू की जगह रखनी है, यू की जगह रख के और इसको हल कर देंगे। देखिए किस प्रकार से, ये 4 यू जमा 8 वी बराबर है 1/6, ये है, थोड़ा आसान हो जाएगा। इसलिए अब इसका मान, यू का मान, यू का मान समीकरण, ये दो समीकरण है, समीकरण दो में रखने पर, रखने पर ये आपने दो में रखनी है। तो हम क्या करेंगे, ये 4 यू क्या है, 1/60 बटे में 15 वी, ठीक है, ये 4 हो गया ना, ये ध्यान देना 4 है ये 4, और ये यहां 8 वी बराबर हो गया 1/6। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको हल कर देंगे। इसको इससे करेंगे तो 4, इसको इससे करेंगे 4 6 24, 240 वी, और फिर हम क्या करेंगे, बटे में ये 15 हो गया, 4 6 24 हो गया, और फिर उसके बाद यहां पर 8 वी बराबर 1/6, ये हो गया। अब हमारे पास क्या करना है, या तो आप इसका लघुत्तम ले लीजिए, 15 और 6 का कंप्लीट लघुत्तम लेके फिर इसको हल कर सकते हैं हम, या फिर इस पार्ट को पहले हल करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो ये हमारे पास 240 वी और जमा 8 वी और बटे में 15 और बराबर क्या होगा, 1/6, और जब ये इधर आएगा तो माइनस का 4 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जब हम करेंगे फिर इसको डिवाइड करके और यहां से इसकी वैल्यू को फाइनल कर देंगे। क्वेश्चन फर्स्ट की तरह आपने ये करना है, और इस प्रकार से ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। और इस एक्सरसाइज के साथ साथ ये आपका चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।